हाल ही में पीएम मोदी का काफिला पंजाब में एक फ्लाईओवर पर फंसा था। इस घटना को लेकर कहा गया कि पीएम की जान को खतरा था। इस घटना के बाद पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। ये राजीव गांधी के 1986 में राजघाट यात्रा की एसोसिएट प्रेस की फुटेज है। ये वीडियो शेयर करते हुए कहा जा रहा है कि एसपीजी यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप ने राजीव गांधी की यात्रा के दौरान एक झाड़ी के पीछे हलचल देखने के बाद गोलियां चला दी थी। इस वजह से एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। बाद में पता चला कि जिस व्यक्ति की मौत हुई थी वो एक भिखारी था। इसी दावे के साथ भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय वीपी नीरज जैन ने ये वीडियो ट्वीट किया। फेसबुक और ट्विटर पर यह फुटेज इसी दावे के साथ वायरल है। तो क्या वाकई में राजीव गांधी की सुरक्षा करते हुए एसपीजी ने गलती से एक बेगुनाह व्यक्ति को गोली मार दी थी? इस दावे की असलियत जानने के लिए ऑल्ट न्यूज ने जांच शुरू की। कीवर्ड सर्च करने पर हमें एपी आर्काइव्स यूट्यूब चैनल पर मूल वीडियो मिला। वीडियो के साथ बताया गया है कि अक्टूबर 1986 में स्वर्गीय महात्मा गांधी की जयंती में भाग लेने पहुंचे पीएम राजीव गांधी पर छिपकर एक सिख व्यक्ति ने गोली चलाई थी। हालांकि राजीव गांधी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था और बाद में उस व्यक्ति को भी पकड़ लिया गया था। 3 अक्टूबर 1986 की वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में भी इस बात की पुष्टि की गई थी कि आरोपी व्यक्ति ने घर में बने हथियार का इस्तेमाल कर गोलियां चलाई थी। इस घटना में 6 लोग मामूली रूप से घायल हुए थे। इस घटना के 1 महीने बाद इंडिया टुडे ने एक रिपोर्ट में उस दिन की घटना का पूरा विवरण दिया था। इसमें बताया गया था कि गोली चलाने वाले व्यक्ति को कैसे हिरासत में लिया गया। इंडिया टुडे ने उस व्यक्ति की पहचान करमजीत सिंह के रूप में की थी। यानी महात्मा गांधी की जयंती के मौके पर राजघाट पहुंचे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या की कोशिश की गई थी। हालांकि ये प्रयास असफल रहा और इस घटना का वीडियो शेयर करते हुए अभी कहा जाने लगा है कि एक भिखारी को गोली मार दी गई थी, जो कि बिल्कुल गलत है। इस घटना में किसी भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई थी।